लास्ट सेशन फोल्डर स्ट्रक्चर टिल नाउ वी डिस्कस व्हाट इज एंगुलर एंगुलर सीएलआई इंस्टॉलेशन फोल्डर स्ट्रक्चर एंड आज हम देखेंगे बूटिंग प्रोसेस। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है बूटिंग प्रोसेस एंड इसके बाद बूटिंग प्रोसेस के बाद रियल टाइम एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, या हम लोग पहले इसे फोल्डर स्ट्रक्चर के बाद जो है ये भी ले सकते हैं, बोथ आर द फाइन। तो आज हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि हमारा रियल टाइम एप्लीकेशन तक जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो फोल्डर स्ट्रक्चर में हम लोग कहाँ तक थे, हम लोग इनर स्ट्रक्चर में पहुंच गए थे। मुझे आप लोग गाइड करेंगे कि मैं वीएस कोड में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे रूट है, E2E है, नोड मॉड्यूल्स, SRC और ये फाइल्स है। इसके अंदर वाला जो इनर फोल्डर था ये डिफॉल्ट कंपोनेंट, देन एसेट्स, रिक्वायरमेंट्स एंड फेविकॉन जो कि आइकॉन होगा, index.html, मेन TS, पॉलीफिल्स, style.css एंड test.ts। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, करेक्ट है? तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आपको सबसे ज्यादा जो काम होगा ये इसके अंदर ही मोस्टली करके आप ऐसे कंपोनेंट या जो भी प्रोडक्ट्स है ये सारे जो है बनाओगे आप अच्छे से। आज हमें यानी कि आपका फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बूटिंग प्रोसेस यानी कि एंगुलर जब हम जो है इस तरीके से एनजी सर्व की कमांड बूट करते हैं, एनजी सर्व तो एनजी सर्व करने के बाद ये सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ही हम लोग ये प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि एनजी सर्व में क्या क्या होगा, जैसे ही हम लोग एनजी सर्व और ओपन करने की कमांड करते हैं तो सबसे पहले जो स्टेप्स होगी वो क्या स्टेप्स होती है ये आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग एनजी सर्व कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग एनजी सर्व कर लेते हैं तो तुरंत यहाँ पे जो आप लोगों को ये फाइल्स दिखाई दे रही होगी main.ts, क्या आप लोगों को ये main.ts फाइल दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे अगर आप देख लोगे यहाँ से angular.json फाइल, तो ये क्या करता है बेसिकली, इसके लिए जितना भी angular.json जो भी है, जितना भी हमें रिक्वायरमेंट है लाइब्रेरी फाइल्स का, जितनी भी प्री डिफाइंड एंगुलर की फाइल्स है या मॉड्यूल्स है उसे कंपाइल करता है एप्लीकेशन के लिए जितना भी जरूरत है। तो देखो कहाँ से लेगा, यहाँ से ये लिया हुआ है। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एंगुलर जो भी है ये डिफॉल्ट बिल्डर क्या होगा, आपकी डिफॉल्ट की फाइल कौन सी होगी, इसका सारा कॉन्फिगरेशन यहाँ पे है। देन आप जो है main.ts फाइल पे सबसे पहले आ जाएंगे। देखो सबसे पहले नंबर एक पे main.ts फाइल है, यहाँ पे आ गया आपका। एंड main.ts फाइल जो है, main.ts फाइल जो है ये प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनेमिक डॉट बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, यानी कि कौन सा मॉड्यूल लोड होना चाहिए ये यहाँ पे बताएगा। तो कौन सा मॉड्यूल लोड होना चाहिए ये क्या बता रहा है, क्या नाम बता रहा है इस मॉड्यूल का, ऐप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल, ठीक है। तो ऐप मॉड्यूल जो है आपको ये लेके आ जाएगा ऐप मॉड्यूल main.ts जो है, ये कोड जो है यहाँ से वो लेके आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कोड जो है भेजेगा, ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड उसे भेजेगा। कहाँ पे भेजेगा, सेकंड स्टेप पे,
सेकंड स्टेप पे भेजेगा। सेकंड स्टेप जो होगी ये ऐप मॉड्यूल है, तो यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करके आप ऐप मॉड्यूल में जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपको ऐप मॉड्यूल दिखा देना चाहता हूँ कि आपका जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है इसका नाम क्या है, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग और इसे एक्सपांड करेंगे। तो क्या आप लोगों को इसमें जो फाइल्स है क्या आप लोगों को दिखाई दे रही है कहीं पे appmodule.ts? यस सर। यस सर। तो main.ts फाइल ने, main.ts फाइल जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसने कहाँ पे भेजा है? ऐप मॉड्यूल पे। तो देखो आपका ऐप मॉड्यूल क्लास जो है, ठीक है, ऐप मॉड्यूल, ये इसका ये क्लास का नाम क्या है, क्या है इस क्लास का नाम? ऐप मॉड्यूल। यहाँ पे वो जो एग्जीक्यूशन है ऐप मॉड्यूल क्लास पे आ गया। सेकंड स्टेप है आपकी, कौन सी सेकंड स्टेप है, ये कहाँ पे आएगा? ऐप मॉड्यूल पे आ जाएगा। अभी ऐप मॉड्यूल जो है, ऐप मॉड्यूल क्या क्या करता है, इसके वर्क क्या क्या है, तो जितने भी डिक्लेरेशंस है, मतलब जितने भी कंपोनेंट है या नए यूआई के आपने कंपोनेंट बनाए हैं, सारे इसके अंदर इंपोर्टेड रहेंगे, यानी डिक्लेयर्ड होंगे। जितने भी रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स है, ये सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट्स में रहेंगे, सारा चीज रहेगा, मतलब जो भी रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें यहाँ पे रहेगी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ एक एक करके कि क्या क्या होगा इसके अंदर। @ng module, तो ये क्या बाइंड करता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है @ng module के अंदर? तो इसके अंदर जितने भी, पहला होगा इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो डिक्लेरेशंस होंगे, यानी कि ऑल कंपोनेंट विल रजिस्टर हियर। यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट है वो सारे के सारे कंपोनेंट जो है यहाँ पे रजिस्टर होंगे एनजी मॉडल, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये डिक्लेरेशंस में, इंपोर्ट्स दूसरा है, इंपोर्ट्स यानी कि जितने भी हमें डिपेंडेंसी चाहिए, ऑल डिपेंडेंसी क्लासेस और डिपेंडेंसी मॉड्यूल्स विल बी इंपोर्ट हियर। तीसरा जो है आपका प्रोवाइडर्स, तो प्रोवाइडर्स के बारे में भी लिख देते हैं, प्रोवाइडर्स ऑल सर्विसेस विल रजिस्टर हियर, यानी कि यहाँ पे अगर है तो ही सब जगह पे इसका इस्तेमाल होगा, रजिस्टर्स है। और फाइनली आपको क्या दिखाई दे रहा है, बूटस्ट्रैप का मतलब लोड होना, स्टार्ट होना, बूटस्ट्रैप। दिस इज द कंपोनेंट विच विल रन। तो बूटस्ट्रैप में जो भी कंपोनेंट का नाम होगा वो जो कंपोनेंट है वो रन होगा। तो अभी यहाँ पे ये कौन से क्लास के ऊपर जा रहा है, अभी इसका नाम क्या है, ऐप कंपोनेंट पे जाएगा। तो ऐप कंपोनेंट जो है, ऐप कंपोनेंट आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है क्लास का? देखो appcomponent.ts दिखाई दे रहा है आपको, ऐप कंपोनेंट पे चला आएगा। तो तीसरी जो स्टेप्स होगी ये कहाँ पे लेके आएगा, थर्ड पॉइंट पे, ऐप कंपोनेंट पे लेके आ जाएगा। दैट्स इट। अब ऐप कंपोनेंट जो होगा आपका, ऐप कंपोनेंट जो है ये आपको देगा एक पाथ कि ये कहाँ पे इंसर्ट होगा, कौन से एरिया पे ये एग्जीक्यूट होगा, ये सिलेक्टर से एग्जीक्यूशन होगा। दूसरा है टेम्पलेट URL कि इसका कौन सा HTML फाइल एग्जीक्यूट होगा, और तीसरा है स्टाइल URL कि कौन सा इसका CS जो है एग्जीक्यूट होगा। तो इसका HTML फाइल का नाम क्या है, app.component.html। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो ये जो है आपका app.component.html, तो कौन सा फाइल एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे, देखो app.component.html ये एग्जीक्यूट होगा। और ये क्या बोल रहा है, कौन सा css फाइल एग्जीक्यूट होगा, app.component.css। यस, app.component.css। यहाँ पे अभी हमने कुछ लिखा नहीं है बट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस और फ्लो जो है फॉलो करता है। और एक और चीज कि ये जो कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट जो है तीसरा जो है, ऐप कंपोनेंट जो है एग्जीक्यूट होगा, ऐप कंपोनेंट में क्या क्या है, पहला जो है कि HTML फाइल कौन सी यूज होनी है, मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूं। सबसे पहले सिलेक्टर, इसे हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे भी हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो ये सिलेक्टर के जरिए हम लोग यूज कर सकते हैं फर्स्ट में। दूसरा है टेम्पलेट URL, या आप टेम्पलेट पर्टिकुलर फाइल पे आप जाके किस तरीके से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी फाइल एग्जीक्यूट होगी। और तीसरा है style.url, जो बताएगा कि कौन सी css फाइल इस कंपोनेंट के लिए एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से ये फ्लो चलता है और ये वर्क करेगा ये लोड करने के बाद। लेकिन ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट जो है सिर्फ हमें बनाया गया है, ये एग्जीक्यूट होगा लेकिन ये ओपन होगा, लेकिन कौन से फाइल के अंदर ओपन होगा ये कंपोनेंट, तो इसके लिए इसका आंसर होता है कि आपका एक ही जो फाइल दिया हुआ है index.html, यहाँ पे वो इंसर्ट होगा, इंजेक्ट होगा, फाइनल जो पीस है इस प्रोसेस का वो है index.html। तो आप लोग कैसे इसे कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो, इंडेक्स में ये जो दिख रहा है आपका ऐप रूट, आपने यहाँ पे देखो एलिमेंट बनाया है ऐप रूट, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटरनली वर्क करता है 4 स्टेप्स में, जो हम लोग अभी एक एक करके प्रूफ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज ऐप कंपोनेंट H2, दिस इज ऐप कंपोनेंट, सेव कर दिया इसे और आप देखो आपको दिखाई दे रहा है। और ये कहाँ पे रेंडर होता है, कौन से फाइल में रेंडर होता है, तो मैं सबसे पहले ये फाइल का नाम देख देता हूँ यहाँ पे H1, दिस इज index.html फाइल, ऐसे। तो जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे हम लोग या जितने भी यूआई का पार्ट बनाएंगे वो सिर्फ index.html पे ही इंसर्ट होंगे, वहीं पे हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलग अलग हम लोग एग्जांपल देखेंगे और इसको कवर कर लेंगे। इसका जो बेस है वो है मॉड्यूल, जो कि हमारा डिफॉल्ट मॉड्यूल, आप कह सकते हो कि हमारा ऐप मॉड्यूल है, हमारा डिफॉल्ट ऐप मॉड्यूल। और इसके अंदर मॉड्यूल क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। मॉड्यूल जो होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट रियल टाइम में होता क्या है, एक्चुअली में हम लोग कंपोनेंट का मतलब क्या बोलेंगे, आप लोग बूटस्ट्रैप में सीख ही रहे हैं कि कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं आप लोगों के, जैसे कि आपके कंपोनेंट हो सकते हैं नेव बार, कार्ड, जैसे कि फॉर्म, जैसे ड्रॉप डाउन, जो भी ऐसे हम लोग कुछ काम के जो एलिमेंट बनाते हैं इनको हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। तो रियल टाइम में अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन का ओपन करो तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि IRCTC की साइट बना ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ये फॉर्म एक कंपोनेंट हुआ, ये इंफॉर्मेशन चेकबॉक्स का एक हो गया, ये नेवबार एक कंपोनेंट हो चुका है, ये लोगो, ये हेडर,
जो भी इस तरीके से हम लोग सारी चीजें यूज करते हैं, ये छोटे छोटे पेजेस जो होते हैं, ये हमारे सारे कंपोनेंट ही है। एंगुलर हमें ये फैसिलिटी देती है कि अगर आप लोगों ने देखो एंगुलर या रिएक्ट जो फ्रेमवर्क है, इनका इस्तेमाल क्यों हुआ, जरूरत क्या थी, कि अगर हमने कोई कंपोनेंट अगर बना लिया है तो हम उसे बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं या इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे कि अगर लेट्स सी कि मैंने कोई बटन बना दिया, चलो ये एक कंपोनेंट बना दिया मैंने, बटन वाला बटन बना दिया, क्लिक। तो ये जो बटन है, अगर मैंने एक बार ये बटन बना दिया है तो क्या ये बटन मैं सारी जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूं या इस्तेमाल करना चाहिए? तो बिफोर द फ्रेमवर्क, इसके पहले जो था नॉर्मल, अगर हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से करेंगे तो किसी कंपोनेंट को बार बार हमें इस्तेमाल, मतलब रियूजिबिलिटी नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? किसी कंपोनेंट को हम लोग रीयूज नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही फ्रेमवर्क आया तो रीयूज कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, कोई ऐसी डिफिकल्टीज नहीं है। अब आपको प्रैक्टिकली समझने के लिए कि क्या हम लोग वैनिला जेएस या एचटीएमएल वाला जो है एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का एक कोड बना लेता हूं मैं, और जिसमें सिर्फ एक बटन पे दो नंबर लेके एडिशन करने वाला दिखा देता हूं, और क्या वो फंक्शनैलिटी मैं कितने भी पेजेस पे रीयूज कर सकता हूं या नहीं, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो सबसे पहले कंपैरिजन करके दिखा देता हूं कि रीयूजेबिलिटी होती भी है या नहीं। तो आप लोग, मैं एक नॉर्मल जो है एक जावास्क्रिप्ट का जो प्रोजेक्ट है ये मैं ले लेता हूं यहाँ पे हमारा, चलो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंपोनेंट बना लेते हैं, एक कंपोनेंट जिसके अंदर मैं बना लेता हूं एडिशन की फंक्शनैलिटी। तो एडिशन की फंक्शनैलिटी के लिए मुझे तो HTML चाहिए, फिर एडिशन का मुझे एक CSS चाहिए क्योंकि उसे मुझे कुछ सजाना भी होगा, फिर एडिशन का एक JS चाहिए मुझे जो कि मुझे इवेंट हैंडल करने होंगे। तो यहाँ पे मैं दो नंबर का एडिशन करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर्म इनपुट टाइप जो होगा वो टेक्स्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं नम वन, ये भी नम वन ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, और इसे करते हैं कॉपी पेस्ट, और इसे देते हैं नम टू, नम टू, नम टू, और यहाँ पे लेते हैं एक बटन एडिशन। अभी CSS से इसे हम लोग हैंडल कर लेते हैं थोड़ा सा क्लासेस लगा के, इसका जो डिव भी है, इसका जो डिव वगैरह है इसके डिव में ले लेते हैं, सेंटर में ले लेते हैं, इसके डिव लेते हैं, ठीक है, इसको डिव में डाल देते ताकि हम लोग कुछ इसका जो साइज वगैरह जो है, जैसे कि फॉर्म बॉक्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसकी हाइट ले लेते हैं 400 पिक्सल, विड्थ ले लेते हैं लेट्स सी 600 पिक्सल, बैकग्राउंड का कलर जो है वो ले लेते हैं लेट्स सी ग्रे। इस तरीके से हम लोग इसका फॉर्म बॉक्स का जो है CSS लगा देते हैं, मान लेते हैं, और यहाँ पे क्लास से इसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे कि ये कैसा दिखेगा, है ना? इसका क्लास नहीं लगा क्या? लिंक नहीं किया, ठीक है, थैंक यू। इसके आदत है ना एंगुलर केस के लिए, तो सबसे पहले हमें लिंकिंग करना पड़ेगा, है ना? ये कंपोनेंट बना दिया मैंने, कौन सा एडिशन वाला एक कंपोनेंट बना दिया जिस पे हमें करनी पड़ेगी लिंक और एडिशन डॉट CSS, और नीचे जावास्क्रिप्ट की भी करनी पड़ेगी फिर, है ना? यस सर। स्क्रिप्ट
script.src और यहाँ पे js भी कर देते हैं, तो अब तो ये आ जाएगा div का क्या हुआ, हाँ body के पहले, ठीक है वो चलेगा। इसको मैं जो है यहाँ पे रख के इसे कट करके बॉडी के अंदर डाल, वो चलेगा वैसे भी, बट दिल हम लोग सही करते हैं, गलत चीजें नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे आते हैं, अब सही हुआ, ये देखो ये बन गया है। एक के नीचे एक लाने के लिए थोड़ा सा हम लोग बाद में कुछ इनपुट टैग को हम लोग ब्लॉक लेवल भी कर सकते हैं, ताकि जो हमारा इनपुट टैग है वो बनेगा। कैसे बनाते ब्लॉक लेवल, डिस्प्ले ब्लॉक जो है वो कर लेते हैं जैसे सजाने के लिए, चलो ठीक है। इसकी हाइट भी आप बाद में बढ़ा देना, उसका जो भी मतलब है ना। अभी इसकी फंक्शनलिटी अभी भी कंप्लीट हुई नहीं है, क्योंकि मुझे एडिशन जो है, ये जो एडिशन इस बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ होना चाहिए, मतलब एडिशन होना चाहिए, डेटा लेना चाहिए। तो ये तो डिजाइनिंग का पार्ट हुआ, सीएसएस और एचटीएमएल वाला पार्ट पकड़ कर। अभी मुझे जावास्क्रिप्ट के लिए एक्चुअली जो फंक्शनैलिटी है, उसका लिए मैं फंक्शन बना देता हूँ एडिशन वाला, और इसके अंदर मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि नम वन। अभी कैसे लिया जाएगा दो नंबर्स, मुझे बताइए। इसके अंदर नम पहला नंबर लेने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, document.getElementById और आईडी का नाम जो होगा मेरे हिसाब से नम वन दिया रहेगा, और उसकी डॉट वैल्यू करके हम लोग उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। लेट नम टू कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे लेते हैं नम टू, और इसकी डॉट वैल्यू भी निकाल लेते हैं ताकि दोनों वैल्यू। तीसरा हम लोग लेते हैं, सम करना है हमें, ठीक है। लेट लेट सम इक्वल टू नम वन प्लस नम टू, जो है इसका एडिशन हो जाएगा ना, एडिशन। अब इसको मैं कंसोल डॉट लॉग में भी दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे कुछ आउटपुट जो है यहाँ पे दिखाना है। तो मुझे अगर यहाँ पे आउटपुट दिखाना है, लेट्स सी कि कुछ ले लेता हूँ मैं, एच टू वाला टैग ले लेता हूँ, और मुझे अगर यहाँ पे दिखाना हो, इसको भी कुछ आई डी दिखा देता हूँ आउटपुट नाम का। तो ये कैसे दिखा दूं मैं यहाँ पे, कैसे दिखा सकते हैं यहाँ पे इनर एचटीएमएल, तो इनर एचटीएमएल लेने के लिए कैसे करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी, कैसे बताओ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका क्या आईडी है, आउटपुट है, और क्या करना होगा मुझे यहाँ पे, डॉट इनर एच टी एम एल, और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे मैं कुछ भी जो है एच वन टैग दू, या जो भी मुझे कुछ देना हो तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली हम लोग दे देंगे सम एज ऑफ नाउ, ठीक है। लिखता हूँ कुछ एडिशन ऑफ टू नंबर, टू जो नंबर है वो सारी चीजें होगी यहाँ पे, और प्लस करके इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी दिख रहा है ना आप लोगों को, तो ये मैंने बना लिया। क्या आप लोग ऐसे ही डॉम का यूज कर लेते हैं, है ना। अभी इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं कि क्या आया, चलो डाल दिया 2233। अरे मतलब हमें यही पे क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी फंक्शन का नाम क्या है और हमें कहाँ पे कॉल करना होगा, बटन बटन क्या लगाना पड़ेगा, ऑन क्लिक पे क्या करना होगा, एडिशन रिटर्न। ओके, तो अभी अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये चल जाएगा, तो देख लेते एक बार, एक मिनट। इसे हम लोग कुछ बहुत छोटा है, बाद में देख लेते हैं कि कहीं पे तो भी कुछ आया था अभी, है ना। ये चला गया क्विकली,
आउटपुट आया था, मुझे डिव के अंदर लेना चाहिए था उसे, है ना, दिख रहा था वो डिव के बाहर शायद से आउटपुट, या रिफ्रेश हुआ रहेगा वो चीज। सर प्रॉम्प्ट नहीं लिया ना? प्रॉम्प्ट नहीं लिया, कहाँ पे प्रॉम्प्ट लेना था? प्रॉम्प्ट लेने की जरूरत ही नहीं ना आपने, प्रॉम्प्ट क्यों लेंगे, प्रॉम्प्ट क्यों लेंगे हम लोग सर, यूजर से आप लोगों ने ये जो डेटा है इंटर योर फर्स्ट नंबर या आप लिख देता वो शायद रिफ्रेश हो रहा है ना इसके लिए डॉम का, इंटर योर सेकंड नंबर, वो मुझे पता चल गया कि क्या इशू है। ड्रिवन डिफॉल्ट यूज करना होगा। हाँ ठीक है, वो कर लेंगे हम लोग उसका फॉर्म, क्योंकि इसको फॉर्म के अंदर ले लिया है ना, जिसकी वजह से हमें वो निकालना पड़ेगा, या तो फिर हम लोग प्रॉम्प्ट ही कर देंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिंपल टू सिंपल रखना चाहते हैं अपना, अगर इसका आउटपुट हम लोग दिखाना चाहते हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट है अलर्ट पे दिखा देंगे हम लोग, this is alert of some, that's it, some को हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। और ये जो डेटा है हम लोग डेटा डाल देंगे यहाँ पे और 2020 करेंगे और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो आएगा आपका, अरे यार ठीक है फॉर्म को मैं बाद में कर दूंगा, यहाँ पे एरर ये जो दे रहा है हम इसको सही ढंग से कर लेंगे बाद में तो हो जाएगा। इसको अलर्ट यहाँ से हटा ही देता हूँ, फंक्शन को प्रिवेंट टू डिफॉल्ट करना ही पड़ेगा उसका। यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है देखो, हाँ फिर वापस से वो डिफॉल्ट वाला जो लोडिंग हो रहा है वो इवेंट हमें रोकना पड़ेगा ताकि वो वापस से ना जाए ऐसे। तो ये चीज आप लोगों ने किया हुआ है, जैसे इसका टाइप जो है बटन का मैं टाइप डिफाइन कर लेता हूँ, तो इसका टाइप जो है वो कर लेते हैं बटन, और वापस से दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दे के कर लेना, मैं बाद में प्रिवेंट बता दूंगा आप लोगों को। तो ये भी आ गया, देखो क्या हुआ अभी इसका, मैंने टाइप बटन किया वो बाय डिफॉल्ट उसने सबमिट लिया था इसलिए हमें प्रिवेंट करना पड़ा। अभी एडिशन का क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को कौन कनेक्ट कर देना, कौन कनेक्ट कर दिया, तो कौन कनेक्ट का तो इशू हमारा है नहीं है, तो कौन कनेक्ट का इशू हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पार्सिंट ऑफ नंबर 1 प्लस नंबर लगा पार्सिंट यही पे कर देते हैं तो टेंशन रहेगा ही नहीं है ना, तो पार्सिंट लगा देते हैं। और सेव कर लेते हैं 20 और 10, क्या गया आंसर इसका 30 एडिशन। तो ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने कितने फाइल का इस्तेमाल किया है कोई बता सकता है, ये कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने कितनी फाइल्स का इस्तेमाल किया है, तीन फाइल्स। अभी मुझे ये है कि मैंने ये कैलकुलेशन जो है मैंने और मेरे अलग अलग फाइल्स है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जैसे कि लोन कैलकुलेशन, जैसे कि कार लोन कैलकुलेशन .html, उसके बाद EMI होम लोन, EMI कैलकुलेशन .html, ये अभी मेरे पास दो पेजेस है जिसमें मुझे ये सेम कंपोनेंट इस्तेमाल करना है। चलो मैंने ये कंपोनेंट तो बना दिया, ये फीचर तो बना दिया, बट नाउ क्वेश्चन है कि मुझे सेम टू सेम कंपोनेंट जो है मुझे कार लोन में भी चाहिए, होम लोन में भी चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा आप आपके हिसाब से बताइए। लिंक करना पड़ेगा वो फाइल,
चलो मैंने लिंक भी कर दिया, मान लिया मैंने वो फाइल को लिंक कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं है, मैंने दोनों फाइल लिंक कर दिया। कौन सी फाइल लिंक करूं? चलो सीएसएस की फाइल भी मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, ठीक है, कंपोनेंट और ये सीएसएस वाली फाइल की, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट जो है कंपोनेंट डॉट जेएस ये भी कर दिया। अब एचटीएमएल का क्या करना होगा मुझे मेरे यहाँ पे? हाँ, एचटीएमएल कॉपी पेस्ट करना होगा? यस सर। क्या कोई तरीका है कि एचटीएमएल का यहाँ पे आ जाए? एनी पॉसिबिलिटीज हियर नाउ? कॉपी पेस्ट रूट, यस वी आर स्टक हियर, क्योंकि हम जो है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल सीएसएस से सारी फंक्शनैलिटी बना सकते हैं, बट अगर ये एप्लीकेशन के लिए मैंने ये कंपोनेंट बना दिया है और वही पेज पे उतना ही कंपोनेंट जो है वो वर्क होगा, मतलब टाइटली कंपोनेंट बना दिया, अभी वो दूसरी जगह पे हम लोग रीयूज कर पा रहे हैं क्या ये कंपोनेंट को अभी हम लोग? नहीं, नो सर। अगर बड़े बड़े लार्ज एप्लीकेशन है लाइक एज अ फेसबुक, अगर फेसबुक मान लो कि वो बना दिया है, या व्हाट्सएप अगर मान लो बना दिया है, वो लैपटॉप पे चल रहा है, लेकिन मोबाइल के लिए वापस से सेम कंपोनेंट के कोड लिखने की जरूरत होनी चाहिए क्या उनको? फेसबुक को और गूगल को ये रियलाइज हुआ कि जो हम लोग एप्लीकेशन यानी कि जो फ्रंट एंड डेवलपर है, अगर एक बार उन्होंने यूआई के कंपोनेंट या जो फंक्शनैलिटीज बना दी है, तो वापस से हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के लिए वापस से क्यों हम लोग मेहनत करें, या दूसरे डिवाइस के लिए वापस से हम लोग क्यों मेहनत करें? एक बार अगर हमने कोई कंपोनेंट बना ही दिया है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो वो सब जगह पे एक ही इस्तेमाल होना चाहिए, वापस उसे बार बार हमें इस्तेमाल करने की मतलब बनाने की जरूरत ना पड़े। इससे क्या होगा, अगर मान लो ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस की जरूरत है, ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होंगे जो बार बार इस्तेमाल होंगे, तो फिर यहाँ पे जो प्लेन जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल सीएसएस है, अगर हम इस वे से जाएंगे तो हम लोग उसे किसी भी कंपोनेंट को रीयूज नहीं कर पा रहे थे, डिफिकल्टी जा रही थी, तो इससे क्या होता था कि डेवलपमेंट की कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, और कल जाके अगर कहीं पे हम लोगों को मेंटेनेंस करना हो, यानी कि अगर मैंने मान लो ये सारा कॉपी पेस्ट कोड किया है और हमें अगर लगा कि सब जगह पे, तो सभी जगह पे जाके हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर बनाने के बाद सबसे ज्यादा जो खर्च आता है वो मेंटेनेंस पे आता है, तो मेंटेनेंस की कॉस्ट और बढ़ गई है। तो फिर गूगल एंड फेसबुक ने एक ऐसा कुछ ढूंढा, फेसबुक ने एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई कि उसका कंपोनेंट जो है वो सभी जगह पे चलेगा, रीयूज कर पाएंगे। तो अगर आप लोग ये एंगुलर वाला पार्ट अगर आप देखोगे, मैं आगे कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सिंपल चीज आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ पे आने के बाद मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ, और कंपोनेंट बनाने के बाद एक कंपोनेंट पे क्या क्या होता है, आपने कितनी फाइल्स देखी है कंपोनेंट के अंदर, हाउ मेनी फाइल्स थी अभी हमें काम करने के लिए? बिल्कुल, तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक कंपोनेंट जो है क्रिएट करता हूँ, और एंगुलर सीएलआई जो है सिंपल बना देती है, कमांड लाइन इंटरफेस, सिर्फ आपको एक कंपोनेंट बनाने के लिए आपको, सो कंपोनेंट की डेफिनेशन भी लिख दूंगा मैं, लेकिन कंपोनेंट कैसे बनाते बता देता हूँ। एनजी फॉर एंगुलर, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, और आपको कंपोनेंट का नाम देना है। जैसे कि मान लो अभी मैंने कैलकुलेटर किया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है, तो एनजी जीसी कैलक्यूलेटर। तो ये कंपोनेंट जब बनेगा, कितनी फाइल क्रिएट हुई है यहाँ पे आप देख के बताएंगे? Four और एक फाइल जो है वो अपडेट हो चुकी है, करेक्ट,
चार फाइल बनी है और एक फाइल क्या हुई है यहाँ पे अपडेट हुई है। तो कौन सी फाइल बनती है, जैसे ही मैंने एक कमांड एग्जीक्यूट की इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेटर नाम की है पहली फाइल कौन सी बनी है, तो फर्स्ट फाइल बनी है बताइए calculator.html। हाँ, इसे हम लोग व्यू यानी जो डिस्प्ले होता है उसे व्यू कह सकते हैं, इसे हम लोग टेम्पलेट कहेंगे, ठीक है, इसे हम लोग व्यू कहते हैं या टेम्पलेट कहते हैं जो एचटीएमएल का पेज होता है। उसके बाद दूसरी जो फाइल कम होती है वो कौन सी होती है, calculator.ts, ठीक है, इसको मैं चार नंबर पे लेके जाता हूँ क्योंकि हमें वो बाद में देखना है। फिर उसके बाद हमारे जो सबसे परिचय वाली है ये कौन सी है, CSS दो नंबर पे लेके आ जाते हैं। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, कौन सा कोड लिखेंगे ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी हमें, शायद से स्टाइलिंग वाला कोड लिखेंगे। फिर फोर्थ वाली जो है ये calculator.ts, क्योंकि हम एंगुलर जो है जावास्क्रिप्ट से नहीं बल्कि टाइपस्क्रिप्ट से एग्जीक्यूट होता है। तो अब ये तीनों फाइल का पहले हम लोग समझेंगे कि HTML फाइल जिसमें हम लोग जो कंपोनेंट का जो HTML के एलिमेंट है वो एलिमेंट क्रिएट करेंगे, CSS का फाइल का इस्तेमाल किस लिए करेंगे कि जो HTML में हम लोग एलिमेंट बनाएंगे या कंपोनेंट बनाएंगे उसमें हम लोग जो व्यू हो रहा है उसे क्या करने के लिए हम लोग CSS फाइल का इस्तेमाल करेंगे, स्टाइल करने के लिए करेंगे, और .ts फाइल का इस्तेमाल जैसे जावास्क्रिप्ट का हम कोड लेने के लिए और फंक्शनैलिटी डायनामिक करने के लिए होता था, जैसे एडिशन, जैसे इट्स लाइक अ जावास्क्रिप्ट फाइल, फंक्शनैलिटी हम लोग बिल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 2x2 4 इस तरीके से। और फोर्थ वाली जो फाइल है जो हम लोगों के लिए न्यू है ये फंक्शनैलिटी टेस्टिंग फाइल है, टेस्टिंग के लिए यूज की जाएगी। बाद में हम लोग सीखेंगे कि टेस्टिंग की कैसे टेस्ट केसेस लिखते हैं, टेस्टिंग क्या होती है, ये वाली चीजें। तो जैसे कि ये HTML एलिमेंट बनाने के लिए, ये HTML के एलिमेंट को सजाने के लिए, और ये एलिमेंट के डेटा लेना और उस पे प्रोसेस करके वापस पे एलिमेंट को दिखाने के लिए इस फाइल का काम करते हैं। तो क्या आप लोगों को ये चारों फाइल्स जो है आपको ये दिखाई दी है? Yes, और पांचवा जो कुछ तो हुआ था, जो पांचवा वाला जो कुछ हुआ था वो अपडेट हुआ था app module.ts फाइल। जब भी हम लोग नया कंपोनेंट बनाते हैं तो आपको पता है कि जैसे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है मॉड्यूल में, जो हमारा app.module है, इनका क्या कहना है main.ts से कि जितने भी कंपोनेंट हम बनाएंगे वो सारे के सारे किसमें अवेलेबल होने चाहिए, डिक्लेरेशंस में। इसका फायदा क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका फायदा ये होता है कि अगर यहाँ पे आप कंपोनेंट रजिस्टर करते हो तो आप कोई भी कंपोनेंट में कौन सा भी कंपोनेंट रीयूज कर सकते हो। तो देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे हमने कौन सा कंपोनेंट बनाया अभी हमारा, क्या नाम था, कैलकुलेटर। तो आप जो है ये जो कंपोनेंट है कितनी बार भी रीयूज कर सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे आउटपुट में एक बार देख लेना, मैं से एनजी शुरू कर देता हूँ, ये डिफॉल्ट कंपोनेंट है आपका, और हमने जो बनाया था वो कौन सा कंपोनेंट था, हमने जो अभी कंपोनेंट बनाया वो कौन सा है, कैलकुलेटर। तो क्या यहाँ पे आपको कैलकुलेटर दिख रहा है? यस सर। कैलकुलेटर के अंदर आपको पहली फाइल है HTML की, दूसरी फाइल है टेस्टिंग की, तीसरी फाइल है component.ts की, और चौथी फाइल है CSS की। तो calculator.ts फाइल अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाया है सिलेक्टर। तो ये जो टैग है यानी ये जो सिलेक्टर है आप एज अ टैग इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी कंपोनेंट पे। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, अगर हमें इसे लोड करना है तो कौन से कंपोनेंट पे, हमें ऐप जो कंपोनेंट होता है ये डिफॉल्ट कंपोनेंट है, आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप
index.html में जाके डायरेक्टली इसके अंदर भी अगर आप इसे कर देते हो ऐसे, तो क्या ये डिस्प्ले होगा? ठीक है, देखो क्या ये डिस्प्ले होगा? फिलहाल के तो लिए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा डिफॉल्ट कंपोनेंट कौन सा है? डिफॉल्ट कंपोनेंट कौन सा है हमारा? डिफॉल्ट कंपोनेंट का नाम क्या? ऐप कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आइए आप और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए, ऐप डैश कैलकुलेटर। और ऐप जो होगा, ऐप का जो आपने दिया हुआ है ये सिलेक्टर, ये सिलेक्टर आप डाल दीजिए इंडेक्स टेबल सेव। देखो दिखा कैलकुलेटर आप लोगों को? यस सर। है ना, इसके ऊपर अभी कैलकुलेटर में कुछ लिखा क्या नहीं लिखा पता नहीं, आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ तो। AIM कैलकुलेटर कंपोनेंट, देखो अगर हमें ये दो बार या तीन बार इस्तेमाल करना हो, जैसे कि ये कंपोनेंट जो है हमें अगर ज्यादा बार अगर इस्तेमाल करना हो या अलग अलग कंपोनेंट पे यूज करना हो तो क्या करना होगा हमें? कुछ नहीं, आप इसे जो सिलेक्टर है इसे बार बार इस्तेमाल करो। ये कितने बार यूज हुआ? क्या हम लोग एक कंपोनेंट को रीयूज कर पा रहे हैं यहाँ पे अभी? यस सर। कोई दिक्कत भी नहीं है, आप सारी फंक्शनलिटी कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप CSS में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैं वापस से एक प्रोसेस जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ, पूरा नया प्रोजेक्ट बना के एवरीथिंग आपको स्क्रैच से दिखा रहा हूँ, और वो नए वीडियो में मैं आपको दे देता हूँ।